लोहारू के फर्टिया भीमा गांव में प्रगतिशील किसान सोमवीर ने खेती में नई मिसाल कायम की है। उन्होंने रेगिस्तानी टीलों में खजूर की खेती कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। खजूर के पेड़ लगाने की शुरुआत उन्होंने साल 2018 में की थी, तो वहीं 2021 में हरियाणा सरकार की सहायता से उन्होंने 312 पेड़ और लगाए। प्रगतिशील किसान सोमवीर का कहना है कि हरियाणा सरकार व बागवानी विभाग किसानों को उत्थान के लिए काफी मदद लगातार कर रहा है। दरअसल पानी की समस्या ना हो इसके लिए उन्होंने जल भंडारण का वाटर टैंक बनाया हुआ है, जो 100% बागवानी विभाग की सब्सिडी पर बना है। सोमवीर अन्य किसानों को भी इसी ओर लगातार प्रेरित कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखें। हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे किसान आधुनिक खेती के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके, साथ ही खेती से अच्छा मुनाफा भी कमा सके। वहीं लोहारू के फल्टिया भीमा गांव में प्रगतिशील किसान सोमवीर ने नई मिसाल कायम की है। किसान सोमवीर प्रदेश के वो पहले किसान हैं जिन्होंने रेगिस्तानी के टीले में खजूर की खेती कर न सिर्फ मिसाल कायम की बल्कि तमाम किसानों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। वहीं जब प्रगतिशील किसान सोमवीर से खेती की नई नई तकनीक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग के माध्यम से देश के कई राज्यों में भ्रमण किया और नई नई खेती की तकनीक के गुरु सीखे। सोमवीर ने बताया कि उन्होंने गुजरात का दौरा किया, उसके बाद में राजस्थान के जैसलमेर के टीलों में खजूर के पेड़ देखे। उसके बाद सोमवीर ने भी खजूर की खेती को करने के बारे में सोचा और अपनी इस सोच को जमीनी स्तर पर सच कर दिखाया। खजूर की प्रेरणा मिली जी बागवानी विभाग से, टूर आते हैं किसानों के, वो टूर करके आया था मैं गुजरात और जैसलमेर राजस्थान में, तो राजस्थान के टिब्बों में वो खजूर का बाग देखा तो मेरे दिमाग में आई कि बाड़ू रेत इधर है, बाड़ू रेत अपने है, तो बाड़ू मिट्टी में ये बढ़िया कामयाब हो जाए। उड़द में यो एक पेड़ लिया 2018 में, एक पेड़ लिया के लगा के देखा तो इसका अब ये खजूर लगने शुरू हो रहे हैं। तो पिछले साल मैंने 312 पेड़ लगाए हैं 5 एकड़ में, ये बढ़िया चल रहे हैं और ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत। और आगे ये मैंने यूँ सोच के लगाया था भाई आगे अपने लोहारू एरिया में पानी खत्म होने वाला है, पूरी सहायता मिल रही है बागवानी विभाग से भी। लोहारू के प्रगतिशील किसान सोमवीर ने राजस्थान के जैसलमेर से प्रेरणा लेकर पहली बार 2018 में खजूर का एक पेड़ लगाया और वह पेड़ कामयाब होने पर 2021 में 312 पेड़ खजूर के लगाए, जिसमें प्रति पेड़ 2600 रुपए का खर्च आया, जिसमें बागवानी विभाग द्वारा 1950 रुपए प्रति पेड़ सब्सिडी दिए गए, जिसके बाद किसान की लागत मात्र 650 रुपए प्रति पेड़ लागत आई। वहीं सोमवीर का कहना है कि हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग किसानों के उत्थान के लिए काफी मदद कर रहा है। वहीं पानी की समस्या ना हो इसके लिए किसान सोमवीर ने जल भंडारण का वाटर टैंक बनवाया हुआ है, जिसकी लागत 5,80,000 रुपए के करीब की आई है, जिस पर बागवानी विभाग ने 100% सब्सिडी दी और एक 10 एकड़ खेती के लिए ये टैंक बनवाया गया है। वहीं किसान सोमवीर का कहना है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जलस्तर नीचे जा रहा है, जिससे पानी के संकट गहरा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पानी का टैंक बनवाया गया है। टैंक को पानी से भरकर खेती में सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सकता है। वहीं सिंचाई और खेती के लिए वाटर टैंक के साथ साथ सोलर पंप भी सब्सिडी पर लगवाया हुआ है, ताकि लाइट न आने पर खेती को नुकसान होने से बचाया जा सके। मैं टूर कर चुका हूँ जी 6 स्टेटों का, सिक्किम का, हिमाचल का, गुजरात, बम्बई और राजस्थान के। इसमें जानकारी मिला है जी बागवानी विभाग से, बागों की जानकारी मिला है इसने, तो बाहर जाके हमने यह शिक्षा ली भाई के बागवानी अपने एरिए में हो सके है और किस तरह बाहर बागवानी कर रहे हैं, तो टूर पर हमने यह शिक्षा मिली। सुझाव ये देना चाहें सभी, ये बागवानी विभाग से जुड़ो और सरकार पूरी सहायता दे रही है, जो सब्जी साब्जी का काम कर रहा है उसमें भी सब्सिडी दे रही है सरकार। प्रगतिशील किसान सोमवीर ने पहली बार आलू की खेती से शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे कई प्रकार की बागवानी की खेती पर जोर दिया, जिससे प्रगतिशील किसान सोमवीर को अच्छा मुनाफा भी हुआ। इतना ही नहीं बल्कि सोमवीर को कई बार उनके इन प्रयासों को लेकर सम्मानित भी किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि वह तरह तरह की बागवानी की खेती कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा सरकार और विभाग से काफी मदद मिल रही है। वहीं आज प्रगतिशील किसान सोमवीर हरियाणा सरकार और विभाग की मदद से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और तमाम किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। जनता टीवी के लिए लोहारू से महासिंह शोराण की रिपोर्ट।